अगर ठेला लगा लेता तो इससे ज्यादा कमाता। मेरा खून खौल रहा है कि तूने डिग्रियां वेस्ट कर दी। बंद कर दे इस बिजनेस को। हमने शार्क टैंक के कई एपिसोड्स में कुछ इस तरह का रिएक्शन देखा है और कई स्टार्टअप्स को वहां से जलील होकर लौटाया गया। इस शो के शुरुआत से ही इस पर ये एलिगेशंस लगते रहे हैं कि शार्क टैंक इंडिया की बहुत सी चीजें झूठी हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टार्टअप्स को किसी न किसी बहाने फंडिंग देने से मना कर दिया जाता है, जैसे कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है या ये आइडिया बहुत ज्यादा घटिया है एंड वगैरह वगैरह। लेकिन आज वही रिजेक्टेड ब्रांड्स करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और हर साल अपने व्यापार को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। एक रेपुटेड फर्म की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि सीजन वन में जो डील्स इन्होंने किया था उसमें सिर्फ 40% बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट किया गया, जो वाकई हैरान करने वाली डेटा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शो में जो दिखाया गया वो झूठ था, और शार्क टैंक में जिन ब्रांड्स को रिजेक्ट किया गया था कैसे इन्होंने ग्रोथ के मामले में हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। आज हम इसी तरह के टोटल 8 रिजेक्टेड ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आता है सिपलाइन, जिसके बारे में अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। भाई क्या कर रहा है तू, मजाक है क्या? क्या बहुत ज्यादा पीते हो? सिर्फ वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। और इस एपिसोड के एयर होने के बाद सिपलाइन का काफी मजाक बनाया गया, कई सारे मीम्स वायरल हुए और इसके फाउंडर रोहित वारियर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। रोहित का कहना था कि शार्क टैंक से निकलने के बाद उनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी जितना कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इस सबसे हटकर हैरानी वाली बात यह है कि सिपलाइन आज भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और तो और उसका प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। असल में शार्क टैंक पर वो एपिसोड एयर होने के बाद सिपलाइन की काफी ट्रोलिंग तो हुई, लेकिन साथ साथ इनके ऑर्डर्स की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि इससे इनका फ्री का एडवर्टाइजमेंट हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद डिमांड वापस से कम हो गए एंड रोहित को लगा कि इंडियंस शायद उनके प्रोडक्ट्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपने हाथ आजमाने की कोशिश की और अपने इस ग्लास के मास्क को इटली और दुबई में भी लॉन्च कर दिया। ये अपनी प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाते हुए क्वाइन साइज ट्रेवल फ्री टिशू को भी लॉन्च किया, साथ ही एक वाइन चिलर बकेट को इंट्रोड्यूस किया जो मार्केट में मौजूद बाकी के आइस चिलर के कंपेयर में कम आइस में भी वाइन को ठंडा रख सकता था। इन एडिशनल प्रोडक्ट्स की वजह से सिपलाइन की सेल्स 30x तक ग्रो कर चुकी थी। वैसे आपको बता दें कि सिपलाइन रोहित का एक साइड हसल है, जबकि उनका मेन बिजनेस इससे बिल्कुल अलग है। एक्चुअली ये वारियर इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, जो वी फायर नाम से फायर सप्रेशन सिस्टम बनाता है और ये इंडिया सहित फॉरेन मार्केट में भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। इन्होंने 2010 में ही इस बिजनेस को शुरू कर लिया था और बहुत ही कम समय में सब डीलर से मैन्युफैक्चरर तक का सफर तय कर लिया। खैर बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो वो है देशी वोट, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सारे एपिसोड देखने के बाद भी इस ब्रांड के बारे में नहीं जानते होंगे। जानते हो क्यों? एक्चुअली इस एपिसोड को शार्क टैंक पर दिखाया ही नहीं गया था। आप सोच रहे होंगे कि जब इसे दिखाया ही नहीं गया तो हमें इसके बारे में पता कैसे चला? दरअसल 2023 में शार्क टैंक इंडिया के YouTube चैनल पर कुछ अनसीन पिक्चर्स को अपलोड किया गया था जिसमें डेसीवुड का नाम भी शामिल था। डेसीवुड इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेसीवुड अमन गुप्ता की कंपनी बोट को सीधा कॉम्पीट कर रहा था। ऐसे में नमिता थापर ने डेसीवुड के फाउंडर करण शुक्ला और अनन्या मीना से पूछा कि बोट और डेसीवुड में कोर डिफरेंस क्या है, तो फाउंडर्स ने बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दिया कि डेसीवुड मेड इन इंडिया है और इसके सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जबकि बोट के प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अब भारत में पहले से ही चाइनीज प्रोडक्ट्स के बैन पर आवाजें उठती रहती हैं और मेड इन इंडिया का क्रेज भी है। ऐसे में अमन गुप्ता की कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और ये डर साफ तौर पर अमन गुप्ता के चेहरे पर देखा भी जा सकता था। खैर डेसीवुड के फाउंडर्स ने 14.28 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3.5% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद किसी भी शार्क ने इनके ऑफर को काउंटर नहीं किया और ना ही इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ तक कि शार्क टैंक इंडिया की टीम ने डेसीवुड को एपिसोड से ही कट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया की बाकी के सीजन्स में भी नजर आएं और उनकी तरफ से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना झेलनी पड़े। ऐसे में डेसीवुड को निराश होकर वापस जाना पड़ा और उन्हें वो फ्री का मार्केटिंग भी नसीब नहीं हो सका। लेकिन इस सब के बावजूद भी डेसीवुड ने मार्केट में काफी ज्यादा ग्रो किया। जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में पिच किया था तो उस समय उनका रेवेन्यू सिर्फ 17 लाख रुपए था,
जो आज 40 गुना बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो गया है। इस कंपनी के फाउंडर्स का टारगेट है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपए कर लेंगे। सबसे खास बात ये है कि देसीवुड ने ये सफलता शार्क्स के इन्वेस्टमेंट और फ्री विजिबिलिटी के बिना ही अचीव की है। बात करें नेक्स्ट ब्रांड की तो वो है जयपुर वॉच, जो इंडिया का पहला माइक्रो लग्जरी वॉच ब्रांड है और इन घड़ियों को ब्रिटिशर्स के जमाने में चलने वाले उन पुराने सिक्कों को कलेक्ट करके बनाया जाता है। दरअसल इस कंपनी के फाउंडर गौरव मेहता को पुराने सिक्के कलेक्ट करने के साथ साथ घड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था और इसी शौक के चलते 2013 में इस कंपनी का जन्म हुआ, जिसकी वॉचेस आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी मौजूद है। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आने के बाद गौरव मेहता ने शार्क से 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 50 लाख रुपीज फॉर 2% इक्विटी की आस की थी। सभी शार्क्स ने उनकी घड़ियों का खूब ज्यादा तारीफ किया पर लास्ट में जाकर इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया। एक्चुअली जयपुर वॉच दो तरह की कैटेगरी में डील करते हैं, जिनमें पहला है प्रेट और दूसरा है बीस्पोक। प्रेट कैटेगरी में 20 से 25,000 रुपए के बीच की घड़ियां होती हैं, वहीं बीस्पोक का प्राइस 1.5 टू 24 लाख रुपीज तक वैरी करता है क्योंकि इनमें गोल्ड का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन्होंने टोटल 1.07 करोड़ रुपए की सेल की थी और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1.2 करोड़ रुपए की, जिनमें से 80% रेवेन्यू सिर्फ प्रेट से आया था। इसका मतलब है कि वो साल में 150 से 200 यूनिट्स ही बेच पाते हैं, जो शार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा एक और चीज जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो ये कि जयपुर वॉच एक ही ब्रांड के नाम से प्रेट एंड बीस्पोक दो कैटेगरीज की वॉच बना रहा था, जो कि शार्क्स को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। किसी ने कहा कि ये बिजनेस उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो किसी ने कहा कि ये स्केलेबल नहीं है। वहीं अनुपम मित्तल ये एडवाइस देते हुए आउट हो गए कि पहले तो आप जयपुर वॉच का नाम बदलकर गौरव मेहता वॉच या कुछ और कर दो और दूसरा ये कि प्रेट कैटेगरी वाले वॉचेस को किसी दूसरे ब्रांड के नाम से लॉन्च करो। इस तरह से जयपुर वॉच को बिना किसी फंडिंग के शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म से वापस लौटना पड़ा। लेकिन बाहर के इन्वेस्टर्स ने जयपुर वॉच में काफी पोटेंशियल देखा और आज ये कंपनी अपने विजन को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में बढ़ रही है, क्योंकि इसके बाद कंपनी ने 31 मई 2024 को लगभग 2.5 करोड़ रुपए रेज कर लिए थे। बात करें नेक्स्ट ब्रांड की तो वो है अल्पिनो, जो कि पीनट बटर बनाया करते हैं और इसकी शुरुआत चेतन कनानी ने साल 2016 में की थी। जब उन्होंने शार्क टैंक सीजन 1 में पिच किया था तो उस समय तक वो ऑलरेडी 15 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। ऐसे में अगर चारों शार्क्स की तरफ से डील ऑफर की गई होती तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होती। अब अल्पिनो के फाउंडर्स ने 1.5 करोड़ रुपए के बदले 2% इक्विटी की आस की थी, लेकिन शार्क्स ने उनके सामने डील रखी कि वो 1.5 करोड़ रुपए तो दे देंगे बट इन एक्सचेंज ऑफ 8% इक्विटी। ये ऑफर अल्पिनो के फाउंडर्स को पसंद नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी और रेवेन्यू भी अच्छा खासा था, इसलिए उन्होंने बिना किसी डील के ही एग्जिट ले लिया। लेकिन इस शो की वजह से इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि इससे अल्पिनो को फ्री में इतनी ज्यादा मार्केटिंग मिली जितने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ जाता। इसी मार्केटिंग के चलते इस एपिसोड के एयर होने के बाद अमेज़न की ग्रोसरी कैटेगरी में अल्पिनो नंबर 1 स्पॉट पर आ गया था और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से अल्पिनो का एनुअल रेवेन्यू 15 करोड़ रुपए से बढ़कर 25 करोड़ रुपए हो गया। अब इस कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे इसे बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। असल में 16 फरवरी 2023 को इस कंपनी के वेयर हाउस में आग लग जाती है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की चीजें जलकर राख हो गई थी, जिस वजह से इस कंपनी की सेल में 80% तक गिरावट देखी गई। लेकिन अल्पिनो के फाउंडर्स ने हार नहीं मानी और सभी चैलेंजेस से लड़ने के बाद मई 2023 में इन्होंने अल्पिनो 2.0 को इंट्रोड्यूस किया, जो कंपनी के लिए एक कंप्लीट रीस्टार्ट था। इसी महीने इन्होंने एंजल इन्वेस्टर्स से $64,000 का फंड रेज किया था और इस पैसे से नई पैकेजिंग के साथ फ्रेश प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारा। इस तरह से इन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर अपनी पुरानी कैपेसिटी के बराबर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। जुलाई 2023 में अल्पिनो ने 7 साल पूरा कर लिया था और कमाल की बात यह है कि इस सेलिब्रेशन के साथ साथ उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए की सेल का एक नया माइलस्टोन भी हिट कर दिया था। इस कंपनी के फाउंडर्स अगले 12 महीनों में इस कंपनी को 20 देशों में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। बात करें नेक्स्ट ब्रांड की तो वो है कुनाफा वर्ल्ड, जो कि एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट कुनाफा को बनाया करते हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया के अंदर कुनाफा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। इसी को देखते हुए जमीला रूही और जमजीर अहमद ने कुनाफा वर्ल्ड की शुरुआत की
और शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में अपने बिजनेस आइडिया को पिच किया। शार्क्स को यह बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने उनके मुनाफा की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने सोचा कि अभी बिजनेस अपनी इनिशियल स्टेज में है, ऐसे में इन्वेस्ट करना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। इस तरह मुनाफा वर्ल्ड को शार्क टैंक पर कोई डील तो नहीं मिली, लेकिन ये फ्री की मार्केटिंग उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। दरअसल इसके फाउंडर्स का कहना है कि ये रिजेक्शन उनके लिए किसी भी तरह का रुकावट नहीं बना, बल्कि शार्क टैंक में दिखाए जाने के बाद स्टार्टअप को बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला। इवन आज भी लोग मुनाफा वर्ल्ड को शार्क टैंक इंडिया के रेफरेंस से ही पहचानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन्होंने कितना ग्रोथ कर लिया है। दरअसल उस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन 18 करोड़ रुपए थी और शार्क टैंक में जाने के बाद बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के इस कंपनी की वैल्यूएशन 5 गुना बढ़ गई है, वो भी सिर्फ इंटरनल ग्रोथ और नए आउटलेट के एक्सपेंशन पर फोकस करके। बात करें नेक्स्ट ब्रांड की तो वो है बूज मोबिलिटी, जिसके फाउंडर है रुत्विज दसाड़िया। रुत्विज दसाड़िया का आइडिया बहुत ही सिंपल था कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रेंट पर देना चाहते थे। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में अपनी कंपनी की 15% इक्विटी के बदले 40 लाख रुपए की आस की थी, जिसके अकॉर्डिंग बूज मोबिलिटी की वैल्यूएशन 2.6 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन नेगोशिएशन के बाद वो विनीता सिंह और अश्नीर ग्रोवर को 40 लाख रुपए के बदले में अपनी कंपनी का 50% इक्विटी देने के लिए राजी हो गए। लेकिन इसके बाद शुरू होता है ड्यू डिलीजेंस का फेज। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ड्यू डिलीजेंस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इन्वेस्टर्स या बायर्स किसी कंपनी की फाइनेंशियल, लीगल और ऑपरेशनल डिटेल्स को डीपली एनालाइज करता है। इस प्रोसेस में वो इंश्योर करते हैं कि वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सही और एक्यूरेट है। बूज मोबिलिटी के केस में शार्क टैंक इंडिया पर डील फाइनल होने के बाद विनीता सिंह और अश्नील ग्रोवर ने कंपनी के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया। अब ऐसा मानना था कि ये प्रोसेस एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये इतनी लंबी खींची कि इसमें 3 महीने से ज्यादा का समय लगने लगा। इधर बूज मोबिलिटी को फंड की अर्जेंट जरूरत थी, लेकिन इस लंबे प्रोसेस की वजह से कई मीटिंग्स और इनपुट्स के बाद भी उन्हें टाइम पर फंड्स नहीं मिल सके। इससे परेशान होकर उन्होंने डिसाइड किया कि ये डील उन्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 50% ऑनरशिप देना भी उन्हें घाटे का सौदा लग रहा था। इस तरह से एंड में जाकर ये डील कैंसिल हो जाती है। इसके बाद 2022 में इन्होंने 3 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर कुछ एंजल इन्वेस्टर से 60 लाख रुपए रेज किए, जो सो पर ऑफर की गई वैल्यूएशन से काफी ज्यादा थे, और इन फंड्स की मदद से बूज मोबिलिटी 3 और स्टेट में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुका है। बात करें नेक्स्ट स्टार्टअप की तो वो है क्यूजेंस लैब, जिसकी शुरुआत 2019 में रूहल और डॉक्टर सृष्टि बात्रा ने मिलकर की थी। एक्चुअली इनका मिशन था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होने वाले फूड वेस्ट को कम करना। इस गोल को अचीव करने के लिए इन्होंने एक इनोवेटिव फूड डिटेक्शन टूल को डेवलप किया था, जिसके जरिए बहुत ही आसानी से ये पता लगाया जा सकता था कि फ्रूट्स फ्रेश हैं या अंदर से सड़ चुके हैं, या वो मीठे हैं या खट्टे हैं। ये प्रोडक्ट शार्क्स को काफी ज्यादा पसंद आया। फाउंडर्स ने कंपनी की 0.25% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए की आस की थी, जिसके अकॉर्डिंग क्यूजेंस लैब का वैल्यूएशन बनता है 400 करोड़ रुपए। लेकिन जैसे ही इन फाउंडर्स ने बताया कि पिछले साल उन्होंने मात्र 15 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स ही सेल किए थे, तो इसे सुनते ही अनुपम मित्तल ने तुरंत ही आउट कर दिया, क्योंकि उन्हें इस कंपनी की वैल्यूएशन अनरियलिस्टिक लग रही थी। उनके अलावा अमन, नमिता और अश्नीर भी वैल्यूएशन और लो सेल्स की वजह से आउट हो गए। लेकिन विनीता ने फाउंडर्स को 1 करोड़ रुपए के बदले 5% इक्विटी ऑफर की, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन 20 करोड़ रुपए होती है। इस पर फाउंडर्स ने काउंटर ऑफर किया 1 करोड़ रुपए के बदले 0.5% इक्विटी, जो विनीता को पसंद नहीं आया, और इस तरह से क्यूजेंस लैब को बिना किसी डील के ही वापस आना पड़ा। हालांकि शार्क टैंक से फंडिंग न मिलने के बावजूद क्यूजेंस लैब ने अपनी ग्रोथ और सक्सेस को काफी सस्टेन किया था। इस कंपनी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसे जियोजे नेक्स्ट, ISP, SOSP और 9 यूनिकॉर्न्स जैसे एक्सेलरेटर और इन्वेस्टर्स फंड कर रहे हैं। इसके अलावा 2022 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने फ्रेश फूड सप्लाई चैन में आर्टिफिशियल ओफ्लेक्सन टेक्नोलॉजी का पेटेंट रिसीव किया है, और हाल ही में फोर्ब्स एशिया की 100 टू वॉच लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। अब बात करें नेक्स्ट स्टार्टअप की तो वो है एथिक। आपने वेगन फूड के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मेंस फुटवेयर के बारे में सुना है जो वेगन प्रोडक्ट से बने हों? ये सुनने में काफी अनयूजुअल लगता है, लेकिन हमारी लिस्ट का नेक्स्ट स्टार्टअप इसी बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है। जी हाँ, एथिक ब्रांड फुटवेयर और इस जैसी कई एक्सेसरीज को एनिमल लेदर की जगह वो वेगन लेदर से बनाता है, और ये एनिमल लवर्स के लिए एक बहुत ही सस्टेनेबल चॉइस है। आपको बता दें कि एथिक इंडिया का पहला लेदर फ्री ब्रांड है, जिसे शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में फीचर किया गया था।
इनके प्रोडक्ट्स, डिजाइन एंड क्राफ्टमैनशिप शार्क्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। इसके बावजूद वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए राजी नहीं हुए। इसका रीजन ये था कि इंडिया में ये कैटेगरी अभी अपने अर्ली स्टेज में है, ऐसे में ये किस तरह से परफॉर्म करता है इसका कोई भी गारंटी नहीं है। हालांकि एथिक के फाउंडर पंकज खाबिया का कहना है कि शार्क टैंक से डील ना मिलना उनके लिए कोई शॉकिंग बात नहीं थी। उनका कहना है कि हमने शो पर अपने ब्रांड फिलोसफी एंड आइडिया को सिर्फ शार्क्स के सामने ही पिच नहीं किया था, बल्कि एंटायर नेशन के सामने पिच किया था, जिसे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, और इसी सब की वजह से हमारे ब्रांड को पहचान मिली है। इसके अलावा करंटली ये 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर एक राउंड रेज करने वाले हैं, जिसका यूज ये अपनी प्रोडक्ट के लाइनअप को बढ़ाने और कंपनी की ग्रोथ में कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ऐसे ही 10 और रिजेक्टेड ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।